सब्सक्राइब कीजिए ई पाठशाला के चैनल को और हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। तो आपने कार्यकाल देखा था, मेन क्या कहते हैं आपका, कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो चंद्रगुप्त था उसके बाद आता है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आता है क्या कहते हैं अशोक, और अशोक के बाद जितने भी क्या कहते हैं उनके राजा आते हैं, उनके उत्तराधिकारी आते हैं। हमने लास्ट संप्रीत करके नाम थे उन तक का पढ़ा था, जिन्होंने 50 साल तक शासन किया था। तो लगभग कहीं ना कहीं जो मौर्य साम्राज्य था उसकी डिक्लाइन, जो यानी कि जो उसका उतराव था, वो लगभग 185 BC तक ख़त्म होने लगता है। अब देखिए आप, ये इसकी स्थिति ना कुछ ऐसी थी। सपोज अगर मैंने बहुत बड़ा एम्परर बनाया है, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है, तो जो मेरे बेटे बेटियाँ होंगी ना, वो आके चैलेंज करेंगे इस चीज़ का कि यार ही इज़ माई फादर एंड ही इज़ माई ग्रैंड फादर एंड ही इज़ माई मैटरनल, मतलब समथिंग समथिंग करके जो भी उनके क्या कहते हैं मेरे रिलेशन में होंगे ना, वो इसका दावा करेंगे इस प्रॉपर्टी का हकदार मैं हूँ। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त ने यूनानी लोगों से वहाँ पे रिलेशन बनाया था, तो उसका वहाँ से भी रिलेशन जुड़ गया, और इंडिया के अंदर भी था तो इंडिया में भी रिलेशन जुड़ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो चंद्रगुप्त था उसके बाद जो भी राजा आते हैं लास्ट अशोक तक, और उसके बाद तक भी जो लास्ट आपके बृहद्रथ करके जिनका नाम था वो तक, उसके बाद भी जो शासन बचता है, प्रॉपर्टी बचती है, तो उसके उत्तराधिकारी ना देशी भी थे और विदेशी भी थे। वो ये चैलेंज करते थे कि भाई हम नेटिव, हम यहीं के हैं, कि हमें ही इसका साम्राज्य कारबार संभालने दीजिए। एंड देन बाहर के लोग बोलते थे, जो जिनका फॉरन रिलेशन वहाँ से बना था, वो लोग बोलते थे नहीं हम इसके हकदार हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त का वहाँ पे भी रिलेशन था। तो उस हिसाब से इसका फॉरेन जो है उत्तराधिकारी हो सकता है और विदेशी भी उत्तराधिकारी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझेंगे जो घर के लोग होंगे वही उत्तराधिकारी बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी तो बची है ना, प्रॉपर्टी पे जो असली वारिस होगा वो तो उसके देसी लोग ही होंगे, देश के ही होंगे, बाहर का क्यों होगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे शुग्न वंश जो है, शुग्न डायनेस्टी आती है 185 से लेके 75 BC तक, इनका टाइम पीरियड इसी के बीच तक ही रहता है। और ये आपके कमांडर थे उनके लास्ट, जो आप देखेंगे कि कैसे ये शुग्न वंश अस्तित्व में आता है मौर्य काल का पतन होने के बाद। ये पहला टाइम पीरियड है जिससे आप मौर्य उत्तर काल के बारे में समझेंगे, देखेंगे कि पोस्ट मौर्यन एम्परर जो था वो कैसे चला और कैसे उनकी संस्कृति बदलती चली गई। अब आप यहाँ पे ये समझेंगे इनके बारे में कि देखो, अब आप देखेंगे, देखो ये चीज जो इलाका है आपका, यहीं पे तो हमारा क्या कहते हैं पाटलिपुत्र था, तो उसका भी तो साम्राज्य यहीं से चालू होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, क्योंकि मेन हेड ऑफ द ब्रांच तो यही बनेगी। इतना हिस्सा क्या कहते हैं शुग्न वंश ने जीत लिया था उसके आखिरी संस्थापक से और आखिरी वंशज से, एंड देन उसने भी अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करता रहा। वो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पुष्पमित्र शुंग थे, तो ये क्या कहते हैं इसके संस्थापक माने जाते हैं, किसके, शुग्न डायनेस्टी के मेन फाउंडर ये माने जाते हैं। इन्होंने ही मौर्य वंश को पराजित करा, हराया उनको, और ये जन्म से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय थे। मतलब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म खत्म होने के बाद अब क्या कहते हैं हिंदुज्म यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहले बौद्ध धर्म के अंदर जो मूर्ति पूजन नहीं हुआ करता था, वो इनके कार्यकाल तक अब थोड़े बहुत चेंजेस आते रहेंगे। अब यही चेंजेस ही तो आपको मौर्य उत्तर काल में समझना है कि देखो जो सैनिक पद्धति इनकी होगी तो इनके कार्यकाल में कुछ चेंज होगा, जो संस्कृति चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे अडॉप्ट की गई होगी इनके कार्यकाल में कुछ और होगा। यही टाइम चेंजेस जो आता रहा वही क्या कहते हैं आप इसमें देखेंगे, आप इसमें समझेंगे। ये आप देखिए ब्राह्मण थे शुरुआत से ही, तो आप देखेंगे ब्राह्मण वर्ग अगर शुरुआत से आ गया तो बुद्धिज्म को कौन मानेगा भैया, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ब्राह्मण वंश को ही तो मानेंगे। फिर ये क्षत्रिय कर्म से थे, क्षत्रिय आपको पता ही है सैनिक जो लड़ाई वड़ाई लड़ते हैं वो कर्म से ये थे। तो क्या कहते हैं ये बृहद्रथ जो थे, यानी कि
मौर्य साम्राज्य के आखिरी वंशज माने जाते हैं, ऐसा रिकॉर्ड्स में कहा जाता है। उसने अपना सेनापति उसे नियुक्त कर दिया था, किसे? पुष्यमित्र शुंग को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था। कमांडर होता है ना, सैनिक, सेना कमांडर, क्योंकि इसका ना फाउंडेशन जो इसकी बाउंड्रीज थी बृहद्रथ की, वो सिमट के रह गई, कम रह गई। अब जितनी भी सेना थी उसका हेड इसे बना दिया जाता है। तो अब ये सेनापति नियुक्त कर दिए जाते हैं उस कार्यकाल के दौरान पे, यानी कि 100, तो इन्होंने सेनापति नियुक्त करने के बाद इनकी हत्या कर दी। तो फिर भाई बृहद्रथ कहते हैं मुझे धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। भाई धोखा देंगी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, आप ये देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वीक थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने इसकी हत्या कर दी, और बाद में जो राजा बन गए उसके बाद, और सेनापति की इन्होंने उपाधि धारण कर ली और इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद आप देखेंगे इन्होंने पहला पाटलिपुत्र राजधानी बनाई, लेकिन बाद में इन्होंने विदिशा, मध्य प्रदेश में एक जगह है वहां पर इन्होंने कैपिटल अपनी चेंज कर दी, राजधानी बदल। तो मौर्योत्तर काल में कुछ चेंजेस तो होंगे ना, तो राजधानी इन्होंने बदल दी। इन्होंने कहा कि बहुत हो गया पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, अब मैं नया राजा आया हूँ, अब मैं नई राजधानी बनाऊंगा। तो इन सब की जानकारी जो है हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है, ठीक है? ये अभिलेख है, याद रखिएगा, किसी भी स्रोतों की जानकारी हमें किसी न किसी अभिलेख से मिलती रहती है। ये अभिलेख या तो उसके कार्यकाल से पहले किसी ने लिखे होंगे या तो बाद में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई जो आपकी बृहद्रथ थी उसकी हत्या का कारण क्या था, कि उनकी हत्या अगर करी गई तो क्यों करी गई। कारण नंबर वन, एक तो मौर्य वंश के अंतिम निर्बल शासन थे, जैसे मैंने बता दिया इनके बस की कुछ नहीं थी। कई राजा उनके अधीनता से मुक्त हो चुके थे, मतलब जो भी इनके अंडरटेकिंग में जितने भी एम्परर थे, सपोज मानिए मथुरा या ऊपर का तक्षशिला, या आप साइड में आ जाओ यहाँ पे उज्जैन या जो भी है, ये सब ना अपने राजा इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस है, हम तुम्हारे अंडर में नहीं है। अब इसकी कमी थी ना कि इसने क्या कहते हैं अपने सैनिक को अच्छा नहीं बनाया, या उनको राजाओं को क्या कहते हैं विद्रोह नहीं करा, या उनसे वॉर नहीं करा, ये थोड़ी बहुत कमजोरियां थी उनकी। ऐसे में पुष्यमित्र शुंग इन राजाओं को फिर से मगध में अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया इन्होंने, क्योंकि वो उसको मार देते हैं। उसने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की और मगध साम्राज्य को फिर से विस्तार कर दिया, ठीक है? तो ये मारने का उनका कारण था। तो आप देखेंगे अब जब उसको उन्होंने मार दिया और अपना साम्राज्य अपने अंडरटेकिंग में ले लिया, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो अब उसका काम क्या होगा? अब उसका भी वही काम होगा, मारो और साम्राज्य बढ़ाते चले जाओ। यही तो होता है, यही होता आया है और यही होता रहेगा। यही इसका क्या कहते हैं आज की प्रेजेंट डेट में भी देखो कि कोई भी सरकार प्रेजेंट डेट पे आती है तो पहले वो दिल्ली से शुरू करेगी और फिर वो हर इलाके में अपनी सरकारें बनाती चली जाएगी, और जब हर इलाके में अपनी सरकार बनाती चली जाएगी तो निरंकुश सत्ता बढ़ जाएगी। अब इनका कार्यकाल जो है ना लगभग इतना ही सही था बस, उसके बाद इनके बेटे भी तो आएंगे। तो आप देखेंगे उनके बेटे जो है अग्निमित्र, वो फिर 149 के बाद 141 के बीच में आते हैं, लगभग वो 8 साल रहते हैं, है ना? तो देखिए विजय कैंपेन के अंदर अगर हम देखें कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी, इन्होंने शुरुआत करी आक्रमण करके, एक विद्युत करके क्या कहते हैं जगह है वहां पर, इन्होंने ज्ञान ज्ञान सेन करके इनका नाम है राजा का। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर वाला ये मध्य प्रदेश का इलाका है ना, और उसके नीचे ही क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं विदर्भ करके एक जगह है, जो आज का आप बोल सकते हो कि दक्षिण पठार का इलाका जितना भी है, मध्य प्रदेश से नीचे का इलाका, वहां पे क्या कहते हैं पुष्यमित्र सिंह ने इसके ऊपर अटैक करा, और अटैक करने के बाद ये साम्राज्य अपने अंडरटेकिंग में ले लिया। तो यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है इसके पीछे, ये आपके पेपर में लिखने के लिए भी आएगा और आप बीच में पढ़ेंगे इसके बारे में, वो क्या है? देखिए कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है, इन्होंने दूसरी शताब्दी में लिखा था कालिदास ने, और इस नाटक में उन्होंने पता क्या बताया, जो ज्ञान सेन की जो चचेरी बहन है, जो बहन है उनका नाम मालविका, और अग्निमित्र से स्नेह की कथा के साथ विदर्भ के विजय का वृतांत, मतलब वो बताते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि जो शुग्न वंश के जो संस्थापक थे उनका जो बेटा था अग्निमित्र, उसका और इसका रिलेशन आपस में चल रहा था, यानी कि जो ज्ञानेंद्र की चचेरी बहन थी, यानी कि चाचा की जो लड़की थी, उसका और इसका रिलेशन आपस में चल रहा था, जिसने इस बुक में मेंशन भी करा हुआ है कालिदास ने अपनी बुक के अंदर इनके रिलेशंस के बारे में।
ये किताबें आपको क्या कहते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं किताब क्लासेस में देखने को मिलती है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनका रिलेशन था इसके बीच में, इस कथा से, इस नाटक से। तो आप देखेंगे उसके बाद ये खारवाल का युद्ध लड़ते हैं जो उड़ीसा के अंदर है, लेकिन ये उड़ीसा का युद्ध जीत नहीं पाते क्योंकि वहाँ का राजा जो है बहुत ज़्यादा प्रतापी और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एम्बिशियस था। इसकी वजह से वो वहाँ का युद्ध हार जाते हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन हमें हाथी गुफा, हमने पहले भी पढ़ा था इसका, हमें मिलता है वहां से कि यहाँ भाई मगध के लोगों ने यहाँ पर इस पर आक्रमण करा था। अब इस पर मगध ने आक्रमण करा था तो इन द सेंस मगध ने आक्रमण करा होगा तो मगध का कार्यकाल तो वहां पे खत्म हो गया था, तो मगध का इन द सेंस यहाँ पे पुष्यमित्र सुंग ने ही आक्रमण करा होगा इस पर, ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें हाथी गुफा से मिलता है जो उड़ीसा के अंदर है और मैंने आपको दिखाया था। तो आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं था कि जो देसी राजा थे उन्होंने ही सिर्फ क्या कहते हैं साम्राज्य मतलब उसके ऊपर बृहद्रथ के ऊपर अटैक करा, ऐसा नहीं है। बाहर के जो क्या कहते हैं यवन लोग हुआ करते थे, यवन लोग कौन होते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं, यूनान के जितने भी लोग हुआ करते थे ना जिनका रिलेशन हमसे था, यानी सॉरी हमसे कह रहा हूँ चंद्रगुप्त से जिनका रिलेशन था, उन लोगों ने भी उस बृहद्रथ की कमजोरी का फायदा उठा के बाहर से भी अटैक करा, ऐसा सबूत हमें मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे यवनों का आक्रमण, एक डेमेट्रिक करके वंश था, डेमेट्रिस करके एक वंश था और एक दूसरा वंश था यूकेटिस्ट करके वंश था। इस डेमेट्रिक जो वंश था ना इसने बाहर से अटैक करा था, अंदर तो अटैक चलो ठीक है पुष्यमित्र सुंग ने बचा लिया, पुष्यमित्र सुंग ने खुद ही अपने क्या कहते हैं सेनापति उसको मार दिया और साम्राज्य बढ़ा लिया, लेकिन बाहर से भी अटैक होते हैं। उस बाहर से अटैक में ड्रमेटिक प्रथम करके एक राजा हुआ करता था, उसने बाहर से अटैक करा था और क्या कहते हैं सिकंदर के बाद ड्रमेटिक प्रथम ही पहला यूनान शासक था जिसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, ड्रमेटिक करके इनका नाम था। पढ़ोगे ये आपको जानने को मिलेगा। यवन लोग याद रखना, यमन लोग ये बाहर के ही होते थे, यूनान से ही होते थे, बाहर से अटैक करा था इन्होंने। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ड्रमेटिक प्रथम जो थे ये बाहर से अटैक करते हैं और उन्होंने एक बड़ी सेना क्या कहते हैं हिंदू कुश पर्वत को पार कर सिंध और पंजाब पे अधिकार अपना अपना लिया, यानी कि चंडीगढ़ और पंजाब का जो इलाका आज की डेट में था उन्होंने बाहर से आक्रमण करा और वहां पे उन्होंने अटैक करके अपना लिया। क्यों? क्योंकि बृहद्रथ की सेना कमजोर, ऊपर से क्या कहते हैं पुष्यमित्र सुंग उनकी हत्या कर देते हैं। अब पुष्यमित्र सुंग ने अपना कैंपेन चलाया लेकिन वो नीचे के इलाके में अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, और जो यवन लोग हैं जिन्होंने आक्रमण करा उन्होंने पंजाब और हरियाणा के इलाके में कैप्चर करना चालू करा। तो भाई देखो उनकी भी सेना इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं थी और पुष्यमित्र सिंह तो सेनापति ही थे, उनपे भी ज्यादा सेना नहीं थी इतनी, है ना। तो अब देखेंगे कि अब इन्होंने अधिकार जमा लिया इन इलाकों के अंदर, तो उन्होंने अपनी राजधानी सियालकोट बनाई और ऐसा क्या कहते हैं उन्होंने उपाधि धारण करने के बाद ऐसा कुछ सिक्के भी चलवाए थे उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर, जहाँ पे क्या कहते हैं ये सिक्का है वहां का, ठीक है। डोमेस्टिक ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण कर यूनानी तथा करोस्टी लिपि में सिक्के भी चलवाए थे, और क्या कहते हैं भारतीय अभियान की पुष्टि जो है इसकी जानकारी और हमें इससे महाभाष्य से और इस संस्कृत जो इस नाटक है इन दोनों से मिलता है हमें कि हाँ भाई सही मायने में डोमेस्टिक प्रथम करके कोई व्यक्ति था, वो यमन से आया था, पंजाब और हरियाणा के इलाके उसने कैप्चर करे थे, उसने सिक्के भी चलवाए थे, ऐसा फैक्ट हमें ये जो पतंजलि जो आज की डेट में आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ की क्या कहते हैं इन्होंने जो भी महाभाष्य लिखा था उससे हमें पता चलता है। तो अब यहाँ पे इससे हमें क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसके बारे में हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन कि भाई वो जो बाहर से अटैक हुए थे तो वो फैक्ट है, ठीक है। तो यवन के राजाओं का उल्लेख क्या कहते हैं आप देखेंगे यहाँ पे कि उसके बाद जो अंतिम शासक होते हैं ना यमन के वो क्या कहते हैं मिलिंद करके हैं जिनका नाम, इन्होंने अपनी राजधानी वही पंजाब सियालकोट के पास ही रखी, ये मिलिंद है याद रखना। देखिए बाहर से कोई बंदा आया ठीक है, अब ऐसा तो नहीं था कि पुष्यमित्र सुंग जो थे माना कि वो ब्राह्मण थे लेकिन पूरी तरीके से सत्ता में नहीं आए अभी। अब जब तक वो इन लोगों को खत्म नहीं करेंगे, यमनों को खत्म नहीं करेंगे, तो उनका पूरा साम्राज्य कायम नहीं होगा। थोड़ा बहुत बुद्धिज्म तो होगा ना,
बुद्धिज्म जो होगा वो पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं होगा। वो लोग अपना साम्राज्य नीचे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और यमन लोग अपना साम्राज्य पंजाब, मथुरा, हरियाणा, ऊपर थोड़ा जम्मू कश्मीर, ऐसे इलाकों की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो डेमेट्रिस प्रथम के बाद जो लास्ट संस्थापक माने जाते हैं वो मिलिंद माने जाते हैं। और ये जो मिलिंद हैं, इनकी क्या कहते हैं, फोटो तो नहीं मिली पर ये कॉइन्स इन्होंने चलाए थे। तो मिलिंद के बारे में इनको क्या कहते हैं, मिंदेर, मिंडार, ऐसे करके नामों से, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है, पर ज्यादातर इन्हें मिलिंद ही बोलते हैं। ये नाम भी आपको मिलेंगे, ये नाम आपको देखने को मिलेंगे कहीं पे भी, लेकिन आप उसे मिलिंद ही समझना, ठीक है। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार उसने बौद्ध धर्म में शरण ले ली थी। बौद्ध के अनुयायी जो होते थे वो बताते थे कि भाई इसने अपने अंतिम काल के समय में, ये था तो यमुनों का, लेकिन इसके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा बुद्धिज्म को लेके कि इसने क्या कहते हैं अपने अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर ट्रांसलेट को, सॉरी, कन्वर्ट कर लिया। पहला ऐसा आदमी, याद रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि बाहर की कंट्री का कोई व्यक्ति हमारे इंडिया में आया उस साल पे, उस समय के टाइम पे, और यूनानी होते हुए भी क्या कहते हैं इसने बुद्धिज्म को अपनाया। जबकि सेल्यूकस के साथ जो आया था मेगिस्थनीस, उसने भी नहीं अपनाया था, उसने तो बस बुक लिखी थी, ऐसा कहीं मेंशन नहीं कि उसने बुद्धिज्म अपनाया। लेकिन क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, लगभग 20 साल तक रहता है, लेकिन क्या कहते हैं, इसने बुद्धिज्म अपनाया था। ऐसा आपको क्या कहते हैं, नागसेन, क्या कहते हैं, यमन मिलिंद के वाद विवाद, ये बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन करके, इनकी ओरिजिनल फोटो नहीं है पर आप बौद्ध भिक्षु ही समझना इन्हें, ठीक है। मिलिंद पन्नो लिखा था इन्होंने। मिलिंद पन्नो का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न उत्तर पूछे गए थे किससे, मिलिंद से। मिलिंद से उनके वाद विवाद, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उनके संवाद के प्रश्न उत्तर दिए हुए उन्होंने मिलिंद पन्नो के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैगा कि मिलिंद एक यूनानी व्यक्ति जिन्होंने बुद्धिज्म धारण करा, और बौद्ध भिक्षु उनसे बातचीत करते हैं, सब कुछ लिखते हैं मिलिंद पन्नो के अंदर, ठीक है। मिलिंद पन्ना, मिलिंद पंदो, मिलिंद पंद, कुछ भी, मिलिंद प्रश्न, ऐसे कुछ भी आ जाता है। तो आप देखेंगे कि डायमेट्रिस प्रथम जो है वो क्या कहते हैं, पहला यमन आक्रमण था जो पुष्यमित्र सुंग के साथ में हुआ था, और दूसरा मिलिंद पन्नो जो दूसरा यमन यमन आक्रमण था जो उनके बेटे के द्वारा, वसुमित्र के द्वारा, पौत्र के द्वारा, सॉरी, पुत्र के द्वारा मारे गए थे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये प्रूफ होता है कि जो ऊपर पंजाब और हरियाणा के जितने भी इलाके थे, अब वहां पे भी क्या कहते हैं, शुभ्न वंश आ चुका है। तो अब आप देखेंगे कि शुभ्न वंश अगर आ चुका है तो पूरी तरीके से ब्राह्मण वंश अब अस्तित्व में आने लगेगा। अब वही ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब स्टार्ट हो जाएगा, यज्ञ करने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता था हमारे इसमें, तो आज भी यही होता है ना, ये जब हिंदुज्म जो है इसमें यज्ञ जो है, बुद्धिज्म में ऐसा तो है ना था, बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था, पर अब जो वसुमित्र है, पुष्यमित्र के क्या कहते हैं आपके पौत्र जो है, अब ये इनको हरा देंगे अगर, तो पूरा पंजाब, पंजाब का जो भी इलाका होगा इनके अंडरटेकिंग में आ जाएगा। अब ये क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण वाद है उसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यमन आक्रमण से हम देखेंगे कि यमन वंश को डेमेट्रिस प्रथम और मिलिंद पन्नो तक ही देखा जा सकता है, जो केटिस वंश के अंदर ज्यादा कुछ ऐसा जानने के लिए है नहीं, ठीक है। अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। अश्वमेध यज्ञ आपको पता ही, शुरुआती में राजा बनने के बाद इन्होंने करवाया था। अश्वमेध यज्ञ पता है क्या होता है, कि राजा जब भी कोई जीत जाता है कोई भी साम्राज्य, तो वो अपने घोड़े को छोड़ देता है, और घोड़े को छोड़ने के बाद जो भी व्यक्ति इसे पकड़ लेता है तो राजा को उसे हराना पड़ता है। पर यज्ञ करवा रहे, इसका मतलब पूरी तरीके से ब्राह्मण जो है, यानी कि जो हिंदुज्म है, वो आने लगता है। ये उनके पुरोहित थे, पुरोहित का मतलब पंडित, आप समझ के चलिए, पतंजलि जो थे उस समय थे। पतंजलि ने ऐसा, आप सबूत तो नहीं है, लेकिन पतंजलि ने क्या कहते हैं, ये अश्वमेध यज्ञ करवाया होगा। इनको सारे कुछ नॉलेज थी, पेड़ पत्ते, पौधे, जड़ों की सबकी नॉलेज थी इसीलिए, ठीक है। तो आप देखेंगे पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो यहाँ से पता चलता है कि 2 बार वो जीता होगा। यज्ञ की परिपाटी भारत में विलुप्त हो चुकी है, अब पुष्यमित्र सिंह ने इसे पुनर्जीवित कर दिया था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त के टाइम से, बिंदुसार के टाइम से,
अशोक के टाइम से यज्ञ तो होते ही नहीं थे। तो यज्ञ वाली परंपरा जो है पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में आने के बाद स्टार्ट हो गई, पूरी तरीके से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो लास्ट जो थे वो वसुमित्र थे, तो ये जीतेंगे, तो ये भी क्या कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अश्वमेध के लिए जो घोड़ा छोड़ा जाता है सिंध नदी के तट पर, यमन इन घोड़े को पकड़ लिया करते थे और वसुमित्र ने परास्त करके इन्हें छुड़वा लेते थे, है ना। तो ये पुरोहित है जो क्या कहते हैं जिन्होंने यज्ञ करवाया था, और महाभाष्य इन्होंने ही लिखी थी पतंजलि ने, तो ये हिंदी के व्याकरण का एक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट है पणि जो थे ना, ये भी क्या कहते हैं पतंजलि से पहले के व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या कहते हैं एक अष्ट अष्टाध्यायी करके वो लिखी थी किताब, उस किताब के कुछ भाष्य का सूत्र मतलब कुछ इन्होंने कुछ फैक्ट उठाए और उसके ऊपर भी थोड़े बहुत एडिट क्या कहते हैं पतंजलि ने करे थे। पणि याद रखना, पणि वसुमित्र से पहले जो कार्यकाल रहा होगा अशोक का रहा होगा, उसके अंदर जो क्या कहते हैं मुनि या कुछ भी हुए होंगे, क्योंकि जो अशोक था वो बाहर से लोगों को बुलाता था ना, सारे ग्रंथ के लोगों को बुलाता था, कहते थे तुम अपना क्या कहते हैं विवरण लिखो, तुम अपना वो लिखो कि हिंदुज्म में क्या होता है ये सब। तो पणि उस समय पे इनसे पहले थे। ठीक है, तो वैदिक काल बताए दिया मैंने, वैदिक काल आप क्या कहते हैं पूरी तरीके से आ चुका है यहाँ पे, और शुंग सम्राट प्राचीन वैदिक काल के अनुयायी थे। वैदिक काल आप समझ सकते हैं यहाँ से वैदिक काल स्टार्ट होता है, यानी कि जब पुष्यमित्र आए वैदिक काल का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, और इस वैदिक काल के अंदर क्या कहते हैं उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरी तरीके से क्या कहते हैं खत्म हो चुके थे। और उसके बाद इसमें संदेह नहीं है कि पुष्यमित्र के समय में यज्ञ प्रदान वैदिक धर्म का पुनर्स्थापन शुरू हो गया था, है ना। इसमें संदेह नहीं है, क्या संदेह नहीं है कि भाई जो यज्ञ पहले हुआ करते थे कभी वो बीच में बंद हो गए थे, लेकिन जब वसुमित्र और पुष्यमित्र आए इन्होंने दोबारा से यज्ञ करवाना चालू कर दिया। शुग्न वंश की सीमाएं अगर आप देखेंगे तो ये सीमाएं जो है ये लगभग क्या कहते हैं ये सीमा यहाँ तक आ जाती है, ये इलाका भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ये लगभग आपका पंजाब और यहाँ का इलाका है, ये सारा का सारा इलाका इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो ये हिमालय में नर्मदा नदी तक और सिंध में प्रचुर समुद्र तक इनका विस्तार हो चुका था। ठीक है, पहले इतना सही था, इतना सही बृहद्रथ यहाँ थे, है ना। ये विदिशा देखो, ये मध्य प्रदेश लगभग यहाँ का इलाका है जहाँ पे उन्होंने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र से यहाँ पे, लेकिन यमनों का आक्रमण यहाँ से होता है, तो आक्रमण होने का जो इतना इलाका कैप्चर करते हैं, तो वसुमित्र यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करते हैं और यहाँ पे अपना घोड़ा छोड़ते हैं, इनसे घोड़ा छुड़वा लेते हैं और इनका भी साम्राज्य खत्म कर देते हैं, है ना। तो अगर इनके शासक के बारे में देखें कि इनके कितने शासक थे, तो पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 साल तक राज्य करा। ये देखो 36 साल 36 वर्ष इतना ही तो था, और उसके बाद शासक राज्य जो थे पुष्यमित्र सिंह के बाद 9 शासक हुए जिनके नाम इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अग्निमित्र आपने देखा उनके बेटे थे, वसुमित्र उनके क्या कहते हैं पौत्र थे, और लास्ट में देवी भूत करके क्या कहते हैं एक ये रह जाते हैं आपने बस, क्योंकि बीत के जो ये लोग हैं ना ये 3 अज्ञात हैं, इनके बारे में ही नहीं पता कौन थे क्या थे, ऐसा कहीं मिलता ही नहीं फिर, बस ये पता चलता है कि हाँ भाई 9 शासक हुआ करते थे।